मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के 6 बज रहे हैं और कल हस्बैंड का नाइट ड्यूटी था तो आज वो है नहीं, नहीं तो सुबह सुबह वीडियो बहुत कम शूट करने को मिलता है। तो जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, अगर ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल बटन जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो एंड ब्लॉग्स का नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत कुछ चल रहा है मेरे साथ, इवन अभी सबके साथ चल रहा होगा, शायद ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके साथ तो कुछ बुरा ना हो रहा हो। अगर किसी के साथ ना हो रहा हो तो भगवान उसके साथ वैसा ही करे, उसके साथ कुछ बुरा ना हो। चाय बनानी है, चाय बना लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कल वाली ब्लॉग में मैंने ऐसा क्यों थंबनेल में लगाया था और मैं पूरा बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा थोड़ा ये है ना, किसी को अगर कुछ हो जाए तो मुझे ही लगता है और उस फीलिंग्स को मैं जो है इग्नोर नहीं कर पाती हूँ, अजीब सा मेरा नेचर है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताऊंगी कि ऐसा कल क्या हुआ था जो मैंने थंबनेल में लगाया पर मैंने आपके साथ ज़्यादा शेयर नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ना उस टाइम फील अच्छा नहीं आ रहा था, मैं बोल नहीं पा रही थी, चुपचाप जो है अपना ब्लॉग बना रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज मैं कोशिश करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या हुआ था। अगर आपके आस पड़ोस में या अपने के साथ कुछ हो जाए तो उस दिन अच्छा नहीं लगता, और अपनों के साथ हो जाए, और अभी तो पूरा देश में ऐसा हो रहा है, हर समय यही सुनने के लिए मिलता है, तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, डर डर का माहौल बना हुआ है। अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करती हूँ मगर वैसा कर नहीं पाती हूँ। तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं। और मौसम काफ़ी ठंड हो रखी है, मैंने सोचा था सुबह सुबह उठ के पोछा कर लूँगी मगर काफ़ी ठंड है, सो मन नहीं कर रहा करने का, देखती हूँ क्या करती हूँ। कपड़े भी पड़े हुए हैं, उन्हें भी वॉश करना है, कल के ही कपड़े हैं, और अगर आज वॉश नहीं करूँगी तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे, और इसी के कारण कपड़े भी पड़े हुए थे। ठीक से काम जो है मन नहीं लग रहा है, रोज का एक डर बैठा हुआ है पूरे परिवार के प्रति। मेरे घर में बहुत मेरा लंबा फैमिली है, सबका होता होगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक फैमिली में रहते हैं, मायका हुआ, ससुराल हुआ, बहन का घर हुआ, सबका लेके चलना पड़ता, सबके प्रति टेंशन तो बना ही रहता है कि कब किसके साथ क्या होगा। हमेशा भगवान को याद करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं पहले नाश्ते की और खाने की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे आराम से बैठ के बात करूँगी, क्योंकि ये सारी बातें करने के लिए जो है फिर से याद करने के लिए कुछ अजीब सा फीलिंग होने लगता है। तो मैं पहले खाने की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, लास्ट तक वॉच कीजिएगा क्योंकि मैं आपको आराम से बताने वाली हूँ कि आखिर हुआ क्या था, मेरा मन इतना उदास क्यों था और मैंने थंबनेल में ऐसा क्यों डाला था।
तो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ क्या हुआ था। हुआ ये था कि मेरे कजन सिस्टर जो है उनकी ननद है, उनकी ननद जो है महिला फोर्स में है और वह हमेशा ड्यूटी पे रहती है, और उनका जिनके साथ शादी हुआ है उनका उम्र जो बस 35 साल का था। हम लोगों को पता था कि उन्हें कोरोना है और बीमार है, मगर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है, उसके साथ वो रह रहे हैं। कभी जब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो ले लेते हैं, और सारा ट्रीटमेंट घर पे चल रहा था। ऐसा होता है गांव में कोई फ़ोन कर देते हैं, गांव का मुखिया होता है ना, उनको वो जो है फ़ोन कर देते हैं किसी ऐसी जगह में जहाँ से एम्बुलेंस आता है। वो सरकारी संस्था भी नहीं रहती, पता नहीं गांव में क्या चलता है, तो वहाँ से एम्बुलेंस आता है प्राइवेट ही हॉस्पिटल से और उन्हें ले जाता है रात भर, पता नहीं टेंशन के कारण या क्या चीज़ के कारण रात भर जैसे तैसे करता है, और सुबह होते जो है उनका ऑक्सीजन लेवल 60% हो जाता है, यानी 60 पे आ जाता है उनका ऑक्सीजन लेवल जो है 60%, समझ सकते हैं। बेचैनी ज़्यादा, सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मेरी बहन यहाँ फ़ोन करती है, उनकी ननद का हस्बैंड है, उनकी ननद जो है महिला फोर्स में है, वो ड्यूटी पर रहती है, और उनका एक बच्चा जो है 1.5 महीने का है और एक बच्चा है 3 साल का। तो घर पर रहकर उनके हस्बैंड ही उनके बच्चे को देखते थे, सारे मेंटेनेंस उसके बच्चे करते थे, उनके हस्बैंड ही करते थे, और उनको कोरोना कहाँ से हुआ। तो उनका घर में जो फादर थे वो बहुत बूढ़े थे, तो उनको हो गया था कोरोना, पता नहीं कहाँ से हुआ था। तो वो जो है 3 दिन पहले ही उनका डेथ हुआ था और इनको कोरोना हो गया, तो ये क्वारंटीन थे, तो इनको बताया भी नहीं गया कि जो ये जो है उनका है पापा जो है डेथ हो गया है उनका, और उनके पापा से ही इनको हुआ था, तो ये क्वारंटीन में थे। 3 दिन पहले उनके पापा डेथ हुए, 3 दिन बाद इनका डेथ हो गया। तो वहाँ एडमिट होने के बाद बाईपेप और वेंटिलेट पर लगाया गया, मगर वो नहीं रहे, वो ख़त्म हो गए। अभी उनकी है वाइफ जो है बार बार बोलने जाती है, मैं नहीं रहूँगी, फांसी लगा लूँगी। दो बच्चे हैं, बच्चे अपने पापा को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि खासकर माँ के साथ कम और पापा के साथ ज़्यादा रहते थे। तो यही सब सोच के बहुत अजीब लगता है, कितने का पापा छीन गए, कितने का बेटा छीन गया, कितने का बाप छीन गया, कितने की माँ छीन गई, और सबसे बड़ी बात कितना का पति छीन गया। पति क्या होता है वो आप लोग, वो जो पत्नी होंगे उन्हें ही पता होता होगा कि पति क्या चीज़ होती है, दुख में सुख में अच्छा बुरा। तो यही बात थी जो मुझे बहुत बुरी लगी थी। मरे तो बहुत सारे हैं, टाइम पे मरे हैं, उनका टाइम पे डेथ हुआ है, कोई बात नहीं, मगर इनका जो डेथ है मुझे बहुत जन मतलब होता है बहुत अंदर तक, मैंने ये बात फील की। तो यही बात थी, और ये रोज़ का चल रहा है, अभी रोज़ किसी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ सेफ्टी से रहिए, अच्छे से रहिए, अपने घर वालों का अपने बच्चों का ख्याल रखिए, बाहर बिल्कुल मत जाइए, डबल मास्क लगाइए और हाथ जो है बार बार धोइए। आपस में भी आप लोग बहुत बड़ी फैमिली में है तो हटके रहिए, ये नहीं कि पास पास में ये हो रहे हैं, ये दबे पाँव आता है, किसी को पता नहीं चलता, और कोई आहट नहीं देता, कोई ये दरवाज़ा नहीं खटखटाता, अचानक से आपके घर में आता है, अचानक से आपके परिवार को बर्बाद कर देता है।